देखिए रिजल्ट तो एज यूजुअल इट इज 100% बोथ फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th. इन क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल. दे हैव आउट परफॉर्म्ड रादर आई वुड से फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. एवरी ईयर विद ईच पासिंग ईयर इट हैज बिकम अ लेगेसी फॉर DPS उधमपुर दैट द चिल्ड्रन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द बोर्ड एग्जाम्स. एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग टीम ऑफ एजुकेटर्स दैट वी हैव इट ओवर हियर. मेरे सभी टीचर्स बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. मैं बहुत खुश हूँ दैट आज मेरे बच्चों ने इतना खूबसूरत रिजल्ट प्रोड्यूस किया है विद द हाईएस्ट ऑफ 97.8% मार्क्स इन क्लास 12th एंड अराउंड 96% मार्क्स इन क्लास 10th. बोथ द क्लासेस हैव एक्चुअली गॉन बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस. एज पर द पैटर्न इट वाज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ गुड रिजल्ट दिस ईयर बट अगेन द रिजल्ट हैज बीन 100%. नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हैज पुट इन टू कंपार्टमेंट और एनी अदर यू नो वॉट यू कॉल इट स्टैचूज और नॉट परफॉर्मिंग वेल. ऑल द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल एंड ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू थैंक्स अवर मैनेजमेंट ओवर हियर. The managing director of the school, Mr. Vivek Gupta, director academics of the school, Mrs. Sucheta Gupta, and of course, above all, the pro vice chairman of the school, Dr. J.C. Gupta, who had a dream of bringing an institution to Udhampur, which he took 16 years back, and today DPSU is among the best institutions, not just in UT of J&K, but in the country as well. And of course, the credit goes to the unparalleled teachers available over here, the kind of teaching they are doing. The support of parents is very important. I thank all the parents who have shown trust in us and given us their most important resource, their children, to nurture them. And of course, the students, their hard work, dedication, and unparalleled success has made DPSU proud once again. So I thank all of you, each one of you, that you have made me proud. That is the reason why we are standing here today. And a big congratulations to all the students who have made a great result for class 10th and class 12th. थैंक यू. मेरा नाम अनादर शर्मा है और मेरे लिए हेल्प थी मेरे पेरेंट्स की और मेरे टीचर्स की. स्कूल ने बहुत हेल्प की मेरे, स्पेशली जो हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल स्टाफ है, एंड स्पेशली एक मदर लाइक फिगर थी भानवी मैम हमारे लिए, तो उन्होंने हेल्प की और इसलिए मैं नंबर ला पाई. और यही कहूँगी कि टेंशन मत लेना कभी भी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स की, ये एग्ज़ाम्स है, अगर टेंशन नहीं लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे. सर मेरा नाम आनंद पांडे है और मैंने क्लास 12th में 95% आए हैं. इसका क्रेडिट मेरे माता पिता को जाता है, पेरेंट्स को, एंड देन जो टीचर्स थे यहाँ पे उन्होंने बहुत गाइड करा मुझे जिसकी वजह से ये स्कोर अचीव हुआ. मंत्रा ब्रोल है और मेरे 12th के रिजल्ट के लिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को टीचर्स सपोर्टेड मी अ लॉट, स्पेशली माय भानवी मैम, सचिन सर, सोनिका मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल सर हु मोटिवेटेड मी अ लॉट, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर माय रिजल्ट. थैंक यू. सर मेरा नाम पीयूष है और मेरे 93% आए हैं. तो मैं यही बोलूँगा कि जो मेन जो की होती है वो होती है रिवीजन. अगर हमने जो स्कूल में पढ़ाया है वो हम घर जाके अच्छे से रिवाइज करें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कि आ जाना ज़रूरी है. हार्डवर्क तो है ही है, हार्डवर्क तो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा. और मेन बात जो हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड सारे जो टीचर्स हैं वो जो हमें सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हमारा अच्छा रिजल्ट आ गया. मेरा गोल तो सिविल सर्विसेज है, सो आई विल गो फॉर दिस. All thanks to principal sir, Banvi ma'am, Sangeeta ma'am, Rakhi ma'am, all the teachers. इन्हीं की हमें सबसे ज़्यादा स्टैंड थी. और DPS में मैं 11th में आई थी. मैंने 10th अपनी स्टेट बोर्ड से की थी, 11th में मैंने CBSE ज्वाइन किया. मुझे Banvi ma'am मेरी मम्मा के जैसे लगते हैं. Banvi ma'am सच में Banvi ma'am मेरी एक मम्मा के जैसे हैं. जैसे घर पे मम्मा प्यार करते थे, स्कूल में Banvi ma'am करते थे. हाँ प्रिंसिपल सर से काफ़ी बार डांट भी पड़ी है, ठीक है. निधिका मैम, मैं 11th में आई थी, उन्होंने मेरे को अपने बच्चे की जैसे ट्रीट किया है. मेरी हिस्ट्री में फर्स्ट स्टूडेंट थी. और थैंक्स टू होल DPS. और अब काफ़ी याद आएगी स्कूल की. इवनिंग, माय नेम इज़ सदीप कौर एंड आई एम फ्रॉम 11th. Talking about my hard work, first of all I would like to thank my school and my family because they supported me through all ups and downs, and my family and my that school, because teachers, without teachers the score I gained would not have been possible. And the teachers are God to me. They are like my family. They helped me
they made me stand where I am today. For the hard work, for all the students out there, I would like to just say it's not that hard, guys. Just you need to be hardworking and consistent, and you can achieve anything you want. Sir, we have to do a lot of hard work to score best percentage, and there is a equal efforts of the teachers and our parents, like the principal sir, who always support us in every step of our studies, and our teachers also, like Nidhika ma'am, who always support me in the every step of my studies. And even it depends upon the consistency and the hard work done by us, and also the role play by one ma'am and the school faculty, and the consistency of us to appreciate.